एवरीवन, मैं हूँ पूजा, पूजा ब्रह्मई किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बादाम शेक शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एंड टेस्टी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार हुआ है बादाम शेक। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि दूध जो हमारा लगे ना तले पे। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट है ये। और यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये छोटे चम्मच है। और इसमें डाल रही हूँ दूध, ठंडा ही दूध डालेंगे इसमें। ये देखिए, 2 बड़े चम्मच दूध डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से साइड में रख देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें एक भी। ये देखिए, और दूध को जो है पकाते रहना है। मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाते रहेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं 20 से 25। इनको ओवरनाइट फूलने के लिए रख दिया था और इसका छिलका उतार दिया है। अगर आप जल्दबाजी में बना रहे हैं तो गर्म पानी में थोड़ा फुला के छिलका उतार सकते हैं। तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। बादाम को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, 2 बड़े चम्मच दूध डाल देंगे इसमें और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने फाइन सा पेस्ट बना दिया है बादाम का। और यहाँ पे मैंने केसर भिगा के रखी है गरम दूध में, तो ये भी डाल दूंगी मैं। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है और मैं केसर वाला दूध डाल दूंगी, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। केसर फ्रेंड्स ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, वरना मत डालिए। इसमें आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड वाला जो दूध बना के रखा था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करके और मिक्स करेंगे ताकि दूध में हमारे जो है लम्स न बन पाए। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड वाला दूध मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इसको पकाएंगे अच्छे से ताकि कस्टर्ड जो है कच्चा ना रह जाए। ये देखिए, अच्छे से पकाएंगे इसको। और जैसे ही ये पकता जाएगा वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा ये कस्टर्ड डालने से। और इसको लो फ्लेम पे इस तरीके से पकाते रहेंगे। तो कस्टर्ड हमारा पक चुका है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने बादाम का पेस्ट बना के रखा था, ये भी डाल रही हूँ इसमें। और इसे अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो डाल दीजिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता। और इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, क्योंकि दूध में अपनी मिठास होती ही है।
आधा कप मैंने चीनी भी ऐड कर दी इसमें। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा दूध जो है गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, तो मैं इसकी फ्लेम को बंद कर रही हूँ और मैं इसको ठंडा करूँगी और एक घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी इसको। ये देखिए बहुत ही टेस्टी एंड यमी समर स्पेशल हमारा बादाम शेक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो घंटे के लिए इसको ठंडा कर लिया है और आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख दिया था। बढ़िया ठंडा हो गया है चिल्ड, तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ता लिए हैं थोड़े से, ये डाल दूंगी, और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं थोड़े से कटे हुए, ये भी डाल दूंगी, और यहाँ पे मैंने थोड़े से ये खरबूजे के बीज लिए हैं। अगर आपको पसंद हैं तो ये डाल सकते हैं, नहीं है वरना मत डालिए, ऑप्शनल है टोटल। तो मैं थोड़े से और डालूंगी बादाम और पिस्ता, ताकि हमारा शेक जो है बहुत ही टेस्टी और यमी लगे। ये देखिए ठंडा ठंडा बादाम शेक, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कैसा बना है आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।